हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी मेरे जैसा पानी पूरी गोलगप्पा पानी पताशा अगर बनाना सोच रहे हैं तो ये हिसाब से अगर आप भी सोच रहे हैं फुली फुली क्रिस्पी क्रंची बनाना तो बहुत ही आसान तरीका मैं आज की वीडियो में बताया हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल एकदम आसानी से बिल्कुल मेरे जैसा एकदम फुली फुली क्रिस्पी क्रंची बनाओ। देखो ये हमारा असली तरीका कैसा है, आप लोग देख सकते हैं ये आवाज इसका एकदम जबरदस्त। अगर आप लोग भी ऐसा क्रिस्पी क्रंची बनाना सोच भी रहे हैं ना तो मेरे जैसा अगर आप बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल एकदम मेरे जैसा परफेक्ट और जबरदस्त ही बनेगा, एकदम फुली फुली क्रिस्पी क्रंची। मैं आप लोगों को जो तरीका बताया ऐसा सीक्रेट तरीका बताया हूँ ना, बिल्कुल एकदम रोड जैसा आपका भी बनेगा, एकदम परफेक्ट जबरदस्त। ये आप लोग देख सकते हैं जो आज का मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये है हमारा मीडियम बारीक सूजी। ये आप लोग देख सकते हैं रवा, और उसके बाद ये हमारा गेहूं का आटा, और ये हमारा खाने का सोडा। ये सिर्फ हमारा आज का जो सूजी है ये सिर्फ 300 ग्राम सूजी है, ये मेरा सिर्फ 300 ग्राम सूजी और सूजी आटा, और ये हमारा खाने का सोडा इससे ही बनाएंगे। ताकि और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना अच्छा बनेगा तो बुरा बनेगा, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करना और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग भी सोच रहे हैं अपने घर पे बना के खाने के लिए चाहे बेचने के लिए, ताकि किसी का भला हो। ये अब देखो इसको कैसा करना है। हम सबसे पहले ये अपना सूजी लेंगे और इसको, ये मेरा 300 ग्राम पूरा एकदम राइट है, ये 300 ग्राम सूजी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 100 ग्राम करीब खाने का सोडा, ये अपना क्या बोलते हैं गेहूं का आटा, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 से 1.5 ग्राम करीब खाने का सोडा। और एक गलती कभी भी मत करना, ये जो हमारा सोडा है मीठा सोडा है, ये अगर आप लोग ये सोचेंगे जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा बनेगा, ये गलती से भी नहीं डालना, कि मतलब अगर थोड़ा भी ज़्यादा होगा ना तो इससे भी खराब होगा पानी पूरी गोलगप्पा पानी पताशा, उससे भी खराब होगा। और कैसे खराब होगा, इससे जब इसको ज़्यादा डालेंगे ना तो ये अपना लाल हो जाएगा, जब फ्राई करेंगे ना तो बहुत जल्दी काला पड़ जाएगा, और काला पड़ने की वजह से एकदम ये ऐसा लगेगा कि मैं हाथ में लेंगे ऐसा, तो ऐसा पूरा एकदम नरम, ऐसा थोड़ा भी दबाएंगे एकदम खस्ता जैसा, एकदम खस्ता हो जाए वैसा हो जाएगा। इसलिए कभी भी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, हिसाब से जैसा सूजी अपने अपने सूजी के हिसाब से उसमें मिलाना है। अब ये देखो हो गया मिक्स, मिक्स करने के बाद, और ये पानी जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोग सोचते होंगे देखो एकदम पूरा नॉर्मल पानी है, थोड़ा भी गर्म ये नहीं है कि मतलब गर्म है, ये पूरा नॉर्मल पानी है, इससे ही हम आटा लगाएंगे इसका। अब ये हिसाब से इसका आटा लगा लेना है, और बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आटा लगाना है, ताकि आपका भी बिल्कुल एकदम, अगर आप लोग सोच रहे हैं पानी पूरी वाले जैसा बनाना तो बिल्कुल आसानी से ही बना लेंगे। गोलगप्पे वाला बनाते कैसा है सेम वैसा ही बता रहा हूँ जैसा मैं खुद बनाता हूँ। आप लोगों को तो पता है, जो हमारे पहले के हैं व्यूअर उनको तो मालूम है कि मतलब हाँ ये हमारा गोलगप्पे का ही पूरा कारोबार है, इसलिए हम लोग देखो जैसा मैं बनाता हूँ सेम वैसा ही बता रहा हूँ। ये हिसाब से अगर आप लोग देखो, ये हिसाब से बिल्कुल एकदम अच्छे से आटा लगाना है इसका। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना, जैसे अगर गर्मी का टाइम है तो इसको थोड़ा सा टाइट लगाए, अगर सर्दी का टाइम है तो थोड़ा सा नरम लगाए इसका आटा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि ये मतलब ये अगर गर्मी और ठंडी से बहुत ही ज़्यादा ही इसको वो हिसाब से ही लगाना है। ये अब ये हिसाब से इसका आटा लगा लेंगे बिल्कुल अच्छे से। अब ये आप लोग देख सकते हैं हमारा आटा ये एकदम बिल्कुल लगने वाला हो गया, और ये देखो अभी कैसा है। और ये हिसाब से ही आटा लगाना है कभी भी, कि मतलब ना ज़्यादा नरम रहे ना ज़्यादा टाइट। और जो भी देखो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना कभी भी, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा आटा नरम है या टाइट है तो आटा लगाते समय ही जो भी करना है आटा लगाते समय करना, क्योंकि एक बार ये सोचो कि मेरा आटा लग गया है तो फिर बीच बीच में मैं कर लूँगा, चाहे नरम करो चाहे टाइट करो, तो ये गलती भी नहीं करना है बीच में।
जो भी करना है आटा लगाते समय, एक बार आटा लग गया तो समझो आटा लग गया। अगर बीच में उसको फिर छेड़ेंगे या जैसा नरम करेंगे या टाइट करेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी करें बिल्कुल ध्यान से अच्छे से करें। और पानी जब आटा लगाओ तो इसको बिल्कुल एकदम हिसाब से ही पानी डालना, बिल्कुल एकदम हल्का हल्का, ताकि आटा जब आपका परफेक्ट लगेगा तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा पानी पतासा भी एकदम परफेक्ट ही बनेगा। अब देखो ये हो गया हमारा आटा लग के एकदम फर्स्ट क्लास रेडी, एकदम ज़बरदस्त, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा टाइट है। अब इसको हम भर के ऐसा छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि एकदम अच्छे से हमारा सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। उसके बाद निकाल के फिर हम इसको मस लेंगे थोड़ी देर बाद। अब ये आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कम से कम ये 15 से 20 मिनट हो गया है रखने के बाद। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकाल के थोड़ा सा मस लेंगे। इस बात का अब जो मैं बताया था पहले आटा लगाते समय, वही सेम आप लोग कभी भी जब जो अगर बनाए तो एकदम अच्छे से दिल से बनाए, ना तो ना बनाए। ये जो भी है मैं साफ बता रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब आपका मेहनत ना ख़राब हो, ना आपका तेल आटा खराब ना हो। अगर आप लोग ये सोचो कि मतलब मैं बना लूँगा एक घंटे में आधे घंटे में हमारा बन जाएगा, तो कभी नहीं बनेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि अगर बनाना तो अच्छे से टाइम रहे तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। क्योंकि ये जब बनाएंगे आप लोग तो बहुत अच्छा सुकून से और अच्छे से ध्यान दे के बनाना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा मसल के हो गया और एक मिनट ही हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक मिनट हुआ है मसल के, और एक मिनट में मसल के हो गया हमारा रेडी। अब इसको हम क्या करेंगे ऐसा देखो, ये आ गया हमारा पटरी, ये गया साइड में। अभी इसको ले लिए, उसके बाद थोड़ा सा दबा देंगे, दबा के बस कटिंग कर लेंगे, ताकि हमारा पेड़ा बनाने के लिए हो जाए एकदम परफेक्ट रेडी। अब ये हिसाब से हम इसका कटिंग कर लेंगे। ये है हमारा कटिंग करने का तरीका कुछ ऐसा है। और कोशिश करें जहाँ तक अगर मेरा वीडियो देख के आप लोग बनाएंगे तो 100% गारंटी है मेरा कि आपका बन जाएगा, पक्का पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि बन जाएगा। लेकिन आप लोग अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो ख़राब होगा कि मतलब हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, तो ख़राब हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी। अब देखो हम पेड़ा कैसा बनाते हैं इसका। अब ये पेड़ा बनाने का हमारा तरीका कुछ ऐसा है, ये हिसाब से अब ये थोड़ा सा लंबा करेंगे इसको। लंबा करने के बाद देखो अब कटिंग करने का तरीका, देखो हमारा तरीका कुछ ऐसा है। और ये हिसाब से ही कटिंग करना है। एक बात बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि अब जो साइज है ना, आप लोग चाहे अब इसको छोटा बनाओ और चाहे बड़ा बनाओ, तुम्हारे दिल पे है। अब जैसा बनाना चाहो वैसा ही बन जाएगा आपका। ये अभी तो हम फिलहाल में रेगुलर जो बनता है वैसा ही बना रहे हैं। अगर आप लोग चाहो बाहुबली पानी पूरी, उससे भी बड़ा पानी पूरी, पानी पूरा जो समझ में आए वो बन जाएगा। लेकिन आप लोग सब इसके ऊपर साइज है, इसको चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो। और ये हमारा जो पानी पूरी का ये पेड़ा है, ये हमारा 5 ग्राम है। अब इससे अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि मतलब हाँ कितना बड़ा बनेगा। अब ये हिसाब से हम पहले कटिंग कर लेंगे, पूरा कटिंग करने के बाद फिर इसके अंदर क्या मिलाना है और क्या नहीं मिलाना है पूरा मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब ये हमारा आप लोग देख सकते हैं हमारा पेड़ा, ये साइज आप लोग देख सकते हैं कैसा इसका साइज है। अब ये हिसाब से ये कटिंग करने के बाद ये हमारा गेहूँ का आटा जो है ना, जो हम थोड़ा सा बचा के रखे थे, यही थोड़ा सा बिल्कुल एकदम हल्का सा, मुश्किल से 20 ग्राम, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं मुश्किल से 20 ग्राम। उसके बाद ये हिसाब से एकदम लेना हाथ में, उसके बाद ऐसा हल्के हल्के हाथों से आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से देखेंगे समझ जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से ऐसा मिला देना है। ये अब इससे क्या होगा कि आपका पेड़ा जो है ना एकदम परफेक्ट हो जाएगा रेडी एकदम बेलने के लिए। यह हमारा असली तरीका। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से ही बना लेंगे। अब इसको क्या करना है ऐसा निकाल लेना है,
फिर से पॉलिथीन में। और ये गलती कभी भी ना करना कि मतलब हाँ हमारा अब तो सब हो गया, अब क्या ज़रूरी है पन्नी पॉलिथीन में रखने की, तो ऐसा कभी नहीं करना है। अब ये हिसाब से इसको निकालने के बाद हम इसको बेलेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा बेलना शुरू हो गया है, और जो है ये पॉलिथीन में रखे थे उसमें से थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इसमें निकाल लिया, थोड़ा सा वो। अब इसको ये हिसाब से हम बेल लेंगे इसको ये। और हमारा बेलने का तरीका आप लोग देख सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बताया था कि मतलब आपका जब ये साइज जो है, ये हमारा 5 ग्राम का ये जो पेड़ा था, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा पानीपुरी बनके हमारा हुआ है रेडी। और ये फूलने के बाद भी ऐसा ही रहेगा, और इतना ये जो है साइज ना सेम इतना बड़ा ही पानीपुरी हमारा बनेगा। अब यही थोड़ा सा अगर आप लोग बड़ा कर दिए, जैसा 10 ग्राम का कर दिए, तो इसका डबल हो जाएगा। जो बाहुबली पानीपुरी बताते हैं, दिखाते हैं, देखे होंगे आप लोग बहुत सारे वीडियो में, सेम वैसा बाहुबली बन जाएगा एकदम बड़ा का बड़ा। इसलिए कभी भी आप लोग इसको जैसा चाहो वैसा आप लोग कर सकते हैं, और छोटा बड़ा वो तो अपने हाथ में है। और ये हमारा साइज अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये पूरा टोटल ये साइज जो है सेम दिखेगा आप लोगों को। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप लोग कभी भी अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से ही बना लेंगे। ये है हमारा तरीका, पहले देखो एक ढाक के रख दिए, उसके बाद फिर इसके ऊपर फिर से ऐसा ही बेलेंगे। और ये हमारा जो कपड़ा है ना, आप लोग सोचेंगे कि मतलब हमारा कपड़ा, तो ये हमारा पूरा एकदम सूखा कपड़ा है। और आप लोग अगर कोशिश करो अच्छी सी बड़ी सी पॉलीथीन के ऊपर रखो, क्योंकि अगर आप लोग कपड़े के ऊपर रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये चीज़ कि मतलब ये हमारा पानी पूरी सूख गया। और ये चीज़ बिल्कुल मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ कि अगर ये सूख गया तो आपका पानी पूरी कभी नहीं बनेगा। अगर आप लोग पॉलीथीन पे अच्छे से संभाल के रखेंगे, ये सूखना नहीं चाहिए बेलने के बाद भी। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कभी भी कि अगर सूख गया तो आपका पपड़ी बन जाएगा, आल टोटल एक भी नहीं फूलेगा। ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी बताता हूँ कि आप लोग पॉलीथीन के ऊपर रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब हम इसको बेल लेते हैं, बेलने के बाद हम क्या करेंगे फ्राई वो भी दिखाऊंगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा बना है कैसा नहीं बना है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा पानी पूरी कैसा फ्राई हो रहा है, जो मैं आप लोगों को बताया था कि मतलब हाँ ये हिसाब से जो मैं आटा लगाया हूँ अभी वही आटा है, दूसरा कुछ नहीं। और देखो फ्राई करने का हमारा तरीका, अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे सिर्फ एक बार समझ गए ना, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा आराम बहुत आराम से फ्राई कर लेंगे। और जो मैं आप लोगों को साइज बताया था कि मतलब हाँ ये साइज कितना बड़ा बना है, तो आप लोग साइज भी देख सकते हैं कैसा बना है इसका साइज, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। ये देखो इसका साइज कैसा है, ये हिसाब से ये है असली तरीका। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका भी बनेगा एकदम फर्स्ट क्लास। ये हमारा असली तरीका फ्राई करने का, और देखो कैसा फूल रहा है। और इधर से अगर ये देखेंगे तो ये इसका साइज मैं ये भी दिखा दूं, देखो अब देखेंगे तो पूरा एक साइज का ही दिखेगा ऑल टोटल। देखो कितना बढ़िया दिख रहा है कि मतलब हाँ एक जैसा ही। जब आप एक जैसा आपका पेड़ा बनेगा ना, लोई आपका गोली आपका एक जैसा अगर बना, तो एक जैसा आपका पानी पूरी भी फूलेगा एकदम ज़बरदस्त। देखो कैसा फूल रहा है, ये ऐसा आपका भी बनेगा एकदम ज़बरदस्त। सिर्फ आप लोग अच्छे से देखो समझो, बहुत आसानी से बना लेंगे। जो मैं तरीका बताया हूँ ना, मैं जैसा सेम बनाता हूँ सेम वैसा ही बताया हूँ, इसमें बाकी दूसरा कुछ नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बताता कुछ अलग हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सब समझ की बात है। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका बनेगा एकदम ज़बरदस्त। देखो ये तरीका हमारा कुछ ऐसा है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ हमारा जो अभी तक फ्राई हुआ वो भी दिखा दूँगा, लेकिन देखो ये है हमारा असली तरीका कैसा फूला है, ये आप लोग देख सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ अभी तक कितना हमारा फ्राई हुआ है। इधर से ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये असली पानी पूरी वाला, ये देखो
सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाए और बिल्कुल मेरे जैसा बनाओ, इसलिए मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से सीखो और घर बैठे आसानी से अपना खुद का बिजनेस करो, चाहे खाने के लिए बनाओ, घर पर बहुत आसानी से बना लेंगे आप लोग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।